जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड में बायकॉट संस्कृति बहुत चर्चित है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लोग हिंदी सिनेमा बॉलीवुड को छोड़कर दक्षिणी भारतीय फिल्में जो कि तमिल, तेलुगु और मलयालम की हिंदी अनुवादित होती है, उनको देखना पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इसके 10 कारण बताएंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि लोग क्यों नहीं देख रहे बॉलीवुड फिल्में। नंबर 10, फिल्में बनाने में लगने वाला समय। आपने सुना ही होगा कि साउथ इंडियन फिल्मों को बनने में 4 से 8 साल का समय लगता है, वहीं बॉलीवुड अपनी फिल्में 40 दिन में बना देता है। करेक्टर पर तो बॉलीवुड एक्टर बिल्कुल भी काम नहीं करते। आपने सम्राट पृथ्वीराज में देखा ही होगा कि अक्षय कुमार ने अपनी मूछें भी नकली लगाई हुई है। नंबर 9, यहाँ बॉलीवुड कहता है कि हमारे फिल्में मत देखो, वही साउथ इंडियन बोलता है दर्शक भगवान है। बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्री थोड़े ज्यादा घमंडी लगते हैं। वो अपने दर्शकों को यहाँ तक कह देते हैं कि आपको हमारी फिल्म नहीं देखनी है तो मत देखो, लेकिन साउथ इंडियन स्टार अपने दर्शक का पूरा ख्याल रखते हैं। नंबर 8, हर बार कुछ नया ट्राई करना। टॉलीवुड में हर बार कुछ नया ट्राई किया जाता है, जबकि बॉलीवुड में नई पुरानी बनी हुई परिपाटी पर फिल्में बनाई जा रही है। आपने बाहुबली फिल्म में तो देखा ही होगा, एक अलग भाषा का निर्माण किया गया, जबकि बॉलीवुड अलग करने से कतराता है। नंबर 7, एक ही फिल्म में 2 से 3 बड़े एक्टर साथ में काम करते हैं। साउथ इंडियन फिल्मों में एक साथ 2 से 3 बड़े स्टार काम करते हैं, लेकिन बॉलीवुड में अगर मल्टी स्टार फिल्म बन रही है तो ये चर्चा तेज हो जाती है कि किसको स्क्रीन पर ज्यादा टाइम मिला। नंबर 6, फिल्मों का कम बजट कमाई ज्यादा। साउथ इंडियन सिनेमा यानी टॉलीवुड में फिल्मों का बजट काफी सही रहता है, जो कि फिल्म को बनाने का वास्तविक खर्च होता है, जिससे उनकी फिल्में इतनी ज्यादा फ्लॉप नहीं होती। उसका उलट बॉलीवुड में एक्टर ही 80 करोड़ तक चार्ज कर लेते हैं, जिसके बाद फिल्म का बजट काफी ज्यादा हो जाता है और फिल्म उतनी कमाई नहीं कर पाती है और वो मूवी ज्यादा नहीं चल पाती और फ्लॉप हो जाती है। नंबर 5, अच्छे डायरेक्टर द्वारा फिल्म निर्देशित कर। टॉलीवुड में फिल्में अच्छे डायरेक्टर द्वारा निर्देशित की जाती, जैसे आपने एसएस राजामौली का नाम सुना ही होगा, वहीं बॉलीवुड की फिल्मों में बड़े स्टार जैसे आमिर खान और अक्षय कुमार खुद ही डायरेक्ट कर लेते हैं। इसी का असर आप देख पा रहे होंगे कि बॉलीवुड के फिल्में कितना फ्लॉप और बायकॉट हो रहे हैं। नंबर 4, नेपोटिज्म का है बोलबाला। बॉलीवुड में जैसा कि आपको पता है, नेपोटिज्म यानी परिवारवाद बहुत ज्यादा है और उनको बिना किसी मेहनत के फिल्में मिल जाती है, भले ही उन्हें एक्टिंग का ए भी ना आता हो। नेपोटिज्म साउथ इंडियन फिल्मों में भी है, लेकिन वहाँ टैलेंट को देखकर काम दिया जाता है। नंबर 3, लेखक लिखते हैं कहानियाँ। टॉलीवुड में अच्छे राइटर कहानियाँ लिखते हैं, एक्टर का कार्य उन पर परफॉर्म करना होता है, जबकि बॉलीवुड में एक्टर अपने अनुसार डायलॉग चेंज कर सकते हैं, इससे कहानी की मूल भावना नष्ट हो जाती है। नंबर 2, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा। साउथ इंडियन सिनेमा भारतीय हिंदी संस्कृति को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं, लेकिन वहीं बॉलीवुड की बात करें तो वो भारतीय संस्कृति को विलन की तरह दिखाते हैं, जिससे एक तरीके का धार्मिक गैप हिंदी सिनेमा और दर्शकों के बीच बन गया है। नंबर 1, रीमेक पर रीमेक। बॉलीवुड में बड़े से बड़े स्टार रीमेक फिल्में बनाने पर काम कर रहे हैं और उनमें से ज्यादातर रीमेक की गई फिल्में टॉलीवुड की होती है, वही साउथ इंडियन सिनेमा बिल्कुल नई नई चीजें लोगों के सामने लेकर आता है, जिससे लोग उनका फिल्म देखना बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।